30 विधायकों को टिकट मिली है। दो ऐसे थे जो एक जेजेपी से थे और एक निर्दलीय थे। विनेश फोगाट को हमारे अपने ज़िले से जो प्रतिनिधित्व मिला जलाना से, वो भी सराहनीय है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अब की बार किंग मेकर हूँगा मैं। किंग मेकर या क्वीन मेकर या जोकर मेकर अब नहीं है वो स्थिति। क्या मानते किस तरह का हरियाणा में बदलाव होगा? ये कांग्रेस की पहली लिस्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस के विधायक थे वो पूरे तौर पे बहादुरी के साथ 10 साल का संघर्ष रहा है उनका, क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं थी। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि 30 विधायकों को टिकट मिली है। दो ऐसे थे जो एक जेजेपी से थे और एक निर्दलीय थे। उन्होंने भी कांग्रेस की नीतियों के हमेशा पक्ष धर रहे हैं, और वैसे भी वो कांग्रेस ही थे पहले, उनको पहले टिकट नहीं मिला था तो इसलिए वो दूसरी या निर्दलीय लड़े थे। और एक विनेश फोगाट को हमारे अपने ज़िले से जो प्रतिनिधित्व मिला जलाना से, वो भी सराहनीय है। और एक कांग्रेस के अध्यक्ष को तो टिकट पहली लिस्ट में जाना चाहिए, तो मैं इस लिस्ट को बहुत ठीक और संतुलित मानता हूँ। तो बात करें भाजपा की, जहाँ पर जिनको टिकट नहीं मिले वो दुखड़े रो रहे हैं प्रदेश में, पहली बार ऐसा हुआ है? ऐसे है, पहली बार नहीं हुआ। सत्तासीन पार्टी अगर सत्ता में रहे लोगों को इधर उधर उखाड़ती है तो वो ऐसे ही प्रदर्शन होता है, और इसीलिए ये कहते थे कांग्रेस में प्रदर्शन ज़्यादा होते हैं, हम तो बहुत ही अनुशासित हैं। अनुशासन तो सिर्फ ये है कि सत्ता में रहे नहीं तो अनुशासन अपने आप है। सत्ता होने के बाद जिस तरह से लोगों का व्यवहार रहा है, लोगों के साथ सरकार का और बीजेपी के नेताओं का, और लगता है ऐसे कि टिकटों का चयन जो है उनका कहीं ना कहीं जो बहुत संख्या में लोग जुड़े हुए थे उनमें निराशा आई है। तो बिजेंद्र सिंह का नॉमिनेशन की तैयारी चल रही है? हाँ, अभी जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक तो हम कैसे कहें कि नॉमिनेशन की तैयारी है, लेकिन लिस्ट आने के बाद नॉमिनेशन तो करना ही है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अब की बार किंग मेकर हूँगा मैं। नहीं तो, और किंग मेकर या क्वीन मेकर या जोकर मेकर अब नहीं है वो स्थिति, क्योंकि जीतने के बाद तो बात करो, आज जमानत बच जाए कहीं ना कहीं किसी ना किसी की, यही उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। जीत के आदमी ये बात करता है कि मैं मेरी भूमिका क्या होगी। थैंक यू सर।